28 अगस्त अभी हमारा मॉनसून ट्रफ उठिल में है, तो हमारा उड़ीसा में मॉनसून भी वीक है। पिछले 24 घंटा में केवल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह करके ही बारिश हुआ है। हाईएस्ट बारिश था नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट का तेतुली खुंटी में 22.0 मिलीमीटर, उसके बाद जयपुर कोरापुर डिस्ट्रिक्ट में 18.6 मिलीमीटर, लामतापुर 18.4 मिलीमीटर, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का मोथिली में 18.0 मिलीमीटर। पहली जून से आज 28 अगस्त तक रेनफॉल जो हमारा हुआ है 782.0 मिलीमीटर स्टेट में हुआ है टोटल। इस समय तक का स्वाभाविक होता है 884.2 मिलीमीटर, तो स्वाभाविक रेंज में ही है। और बोथ डिस्ट्रिक्स में एक्सेस रेनफॉल हुआ है, 18 जिला में स्वाभाविक है, 11 जिला में स्वाभाविक से कम हुआ है। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट का 7, इंटीरियर का 4। अभी फोरकास्ट जो हमारा है अगला 5 दिन का, अगला 4 दिन में रेनफॉल कम ही रहेगा, अभी वीक मॉनसून कंडीशन रहने का चांसेस है। 1 सितंबर से इम्प्रूव होने का चांसेस है। अगला 3 दिन केवल एक दो जगह में बारिश रहेगा। 31 में कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश हो सकता है, स्लाइटली थंडर एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। 1 सितंबर से रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करने का चांसेस है। 1 सितंबर में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में पार्टली क्लाउडी स्काई रहने का चांसेस है और बारिश का चांसेस कम है। थंडर एक्टिविटी अगला 3-4 दिन का अंदर में 31 में थंडर एक्टिविटी होने का चांसेस है।